और कुछ ही देर में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी का डिजिटल संवाद होगा। फिलहाल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बोल रहे हैं, आपको लिए चलते हैं। आपका समर्पण और पार्टी के प्रति आपका लगाव ये सर्वविदित है। भारत सरकार की बड़ी जिम्मेवारी प्रधान सेवक के रूप में निभाते हुए पार्टी की हर छोटी बात पर भी अपना ध्यान रखना, सहयोग करना, समय समय पर हम सबको गाइड करना, ये हम सब लोगों ने देखा है। और ऐसे प्रधानमंत्री जब जो विश्व की शख्सियत हैं, वो हमारे पार्टी के लिए महत्वपूर्ण समय अपना देते हैं, तो वह सच में हम सबको प्रेरणा देता है, करोड़ों कार्यकर्ताओं को प्रेरणा देता है, ये मैं कहना चाहता हूं। अभी इस साल के प्रारंभ में जब कोरोना संक्रमण की आहट हुई, तो तब से लेकर आज दिन तक आपने जो नेतृत्व प्रदान किया है वो दुनिया को दृष्टि और दिशा देने वाला है। जब बड़े बड़े देश, शक्तिशाली देश अपने आप को इस कोरोना संक्रमण के आगे असहाय महसूस कर रहे थे, तो आपके फैसले, आपकी जन भागीदारी, जनता को साथ लेकर चलने की बात, सरकारों को, प्रदेश सरकारों को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में अपने साथ जोड़ करके चलने की बात और महत्वपूर्ण फैसले, बोल्ड फैसले जैसे लॉकडाउन करना, यह आपने लिया और इसकी तारीफ और इसकी ध्वनि विश्व के संगठनों ने भी उठाई और उन्होंने बताया कि जो रास्ता प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत के लिए लिया है वह अनुकरणीय है और उस रास्ते की तरफ हम सबको चलना चाहिए, ये बात उन्होंने कही। इसके साथ साथ आपने जो इकोनॉमिक पैकेज समय समय पर, उसकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी तारीफ की, उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज नॉट ओनली एड्रेस्ड द हेल्थ सेक्टर, ही हैज आल्सो एड्रेस्ड द फाइनेंशियल पार्ट, द इकोनॉमिक पार्ट, द सस्टेनेंस पार्ट ऑफ द मार्जिनल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। उसी तरीके से जब आपने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया, तो फिर वर्ल्ड बैंक और हमारे यूएन दोनों ने इस पैकेज की तारीफ की और कहा कि यह अनुकरणीय है, अन्य देशों को भी इसके बारे में सोचना चाहिए। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि आपके नेतृत्व में जहां दुनिया उसको अनुकरण कर रही है, वहां आपके नेतृत्व में देश सुरक्षित है। और यह जो हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था, ऐसी संक्रमण, उस संक्रमण से लड़ने का तरीका जो कभी किसी ने एक्सपीरियंस नहीं किया था, उसको भी आपने दृष्टि दी, दिशा दी और उसको लड़ने के लिए पार्टी को भी प्रेरित किया है, इसके लिए मैं विशेष रूप से आपका धन्यवादी। जब ये कोरोना का संक्रमण आया तो ये दो तरीके के तजुर्बों के साथ आया और दो तरीके की तकलीफों के साथ आया। पहला तो कोरोना के साथ लड़ाई कैसे लड़ी जाए, क्योंकि दुनिया में इसका कोई उदाहरण नहीं था। और दूसरा, लॉकडाउन लगाने के कारण जो तकलीफें आएंगी, जो दिक्कत आएगी, जो समस्याएं आएंगी, नित प्रतिदिन आएगी, उससे कैसे निपटा जाए, ये दो प्रश्न खड़े थे। मुझे याद है कि आपका मार्गदर्शन हम सबको, पार्टी वालों को उसी समय मिला और आपका संदेश मिला और आपने कहा ये चैलेंज है सरकार के लिए, लॉकडाउन को सफल भी करना है और हमारा कोई भी गरीब व्यक्ति, भाई मजदूर, किसान, किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उसके मर्म लगाने का काम, उसको संवेदना के साथ संभालने का काम यह पार्टी को करना होगा और करोड़ों कार्यकर्ताओं तक पहुंचना होगा, करोड़ों लोगों तक पहुंचना होगा, लाखों कार्यकर्ताओं को यह आपने संदेश दिया। आपने कहा सबकी हमको चिंता करनी है और वह हमको कंपैशन के साथ करना है, उनके दर्द को समझना है, उनको मर्म लगाना है और उसको करने के लिए हम लोग किस तरीके से आगे बढ़े, इसके बारे में आपका हमको समय समय पर हमेशा मार्गदर्शन मिलता रहा। सबसे पहली बात तो ये थी कि हम करोड़ों लोगों तक पहुंचेंगे कैसे, कनेक्टिविटी का विषय था। साथ ही साथ हमारे सभी लोगों के मन में कोरोना का संक्रमण कितना भयानक होगा, उसका असर कितना पड़ेगा, इसका भी डर था। लेकिन आपके बताए रास्ते पर आपने सुझाव दिया,
कि वर्चुअल मीटिंग की जाए, डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल किया जाए, और उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल किया, वीडियो कॉन्फ्रेंस प्रारंभ किए और कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम इस माध्यम से हुआ है। मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि मुझे मिलाकर के हमारे सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश के अध्यक्ष, प्रदेश के संगठन मंत्री ने समय समय पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लगभग 4000 वीडियो कॉन्फ्रेंस की है, 4000 वीडियो कॉन्फ्रेंस, और ये लॉकडाउन की अवस्था में की है। मैं आज को जोड़ नहीं रहा हूं, वीडियो कॉन्फ्रेंस अभी भी चली है, लेकिन लॉकडाउन की अवस्था में 4000 वीडियो कॉन्फ्रेंस की और 2.5 लाख कार्यकर्ताओं तक पहुंचने का काम इस वीडियो कॉन्फ्रेंस से हुआ है। इसको हमको समझना चाहिए। और इसके साथ साथ हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि जब हम ये 2.5 लाख लोगों तक पहुंचने का काम किया, वहीं हमने ऑडियो ब्रिज के माध्यम से 700 ऑडियो ब्रिज किए और कर कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम किया। लगभग 70 लाख कार्यकर्ता इसके साथ जुड़े और ऑडियो कॉन्फ्रेंस से उनको मैसेज गया। इस मैसेज के कारण जो हम लोग सुनते थे कि देव दुर्लभ कार्यकर्ता, यह कार्यकर्ता जाग उठा, इसने समय सारी चीजों को संभाल लिया, नीचे बूथ तक एक्टिवेट हो गया। और आपने, मुझे याद है जब हम फीड द नीडी का कार्यक्रम कर रहे थे तो आपने बहुत बारीकी से सभी कार्यक्रमों में अपनी रुचि दिखा करके हमें सुझाव दिया था, फीड द नीडी कार्यक्रम कैसे हो सकता है, हम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आरोग्य सेतु के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है, पीएम केयर फंड के साथ लोगों को कैसे समावेश किया जा सकता है, फेस कवर लगाने के लिए हम कैसे प्रेरित कर सकते हैं। उस समय हमारे पास ऐसी स्थिति थी कि एक भी फेस कवर तैयार नहीं हो रहा था, और आज हम ये कह सकते हैं कि हमारे ही कार्यकर्ताओं ने 5 करोड़ फेस कवर बना करके जनता तक पहुंचाया है। इस बात को हम आपको बताने चाहते हैं। बहुत से काम जो सोचा नहीं था, कैसे, ये एक तो हमारी दिक्कत ये थी कि हमने आपदा का काम एक विशेष स्थान पर एक विशेष समय के लिए किया था, लेकिन पैन इंडिया, सारे देश के लिए, और ये लंबे समय तक करना, कब तक करना इसका अंदाजा ना होना, और फिर भोजन पैकेट जरूरतमंद तक पहुंचाना, यह हम सब के लिए जो चैलेंज था। लेकिन आप जिस तरीके से हमें हमेशा प्रेरित करते रहे, करोड़ों कार्यकर्ताओं ने इस काम में अपने आप को समावेश किया, जोड़ा और इस काम को अंजाम दिया, यह मैं कहना चाहता हूं। इसको हमने आगे बढ़ाया। आज हम यह कह सकते हैं कि लगभग 22 करोड़ हमारे कार्यकर्ताओं ने फूड पैकेट्स इन 68 दिनों में पहुंचाया, 22 करोड़ फूड पैकेट्स, भोजन की व्यवस्था की। लगभग 5 करोड़ राशन किट, जिसको हम लोगों ने मोदी राशन किट के नाम से, वो बड़ा पॉपुलराइज हुआ, लोगों ने उसको पसंद किया, और मोदी किट के नाम से जो बांटा गया वो 15 दिन का राशन, 20 दिन का राशन और 1 महीने का राशन, ऐसे 5 करोड़ पैकेट बांटे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। ये हम आपसे, मैंने आपको बताया कि 5 करोड़ से ज्यादा फेस कवर बांटे गए, सभी महिला मंडल लगी, सभी महिला मोर्चा लगे, सभी सेल्फ हेल्प ग्रुप लगे, और सभी एनजीओस को महिला मंडल ने प्रेरित करके इसमें जोड़ा, और मंत्रालय के साथ भी संबंध जोड़ करके इसमें ज्यादा से ज्यादा काम हुआ है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। इसी तरीके से पीएम केयर फंड में 58 लाख कार्यकर्ताओं को हमारे कार्यकर्ताओं ने अपने प्रयास से जोड़ने का प्रयास किया। आरोग्य सेतु के साथ करोड़ों लोगों को जोड़ने का काम किया गया। लगभग 8 लाख कार्यकर्ता इस काम में ऊपर से लेकर के नीचे तक लगे रहे, ये आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं। और उसी तरीके से लगभग 13,800 मंडल में और 709 जिलों में इस काम को अंजाम दिया गया, इस काम को पूरा किया गया। मैं यहां यह भी चर्चा करना चाहता हूं कि यह पूरे फीड द नीडी कार्यक्रम में बहुत अनूठे अनुभव आए, बहुत सी चीजों को समझने का मौका मिला। नित प्रतिदिन नई नई समस्याएं आई और नित प्रतिदिन उन समस्याओं का समाधान करने का काम किया गया। मुझे याद है कि ये फीड द नीडी में
पैकेट बांटने का काम से लेकर आरोग्य सेतु और पीएम केयर फंड से जोड़कर फेस मास्क फेस कवर देना, ये सब काम तो हमने किया ही। लेकिन एक बहुत ही अच्छा काम इसके दौरान हुआ, वो हुआ हेल्पलाइन सेंटर के माध्यम से। हमारे कार्यकर्ताओं ने हर एक प्रदेश में हेल्पलाइन सेंटर चलाया और उस हेल्पलाइन सेंटर के माध्यम से जो जरूरतमंद को जो जरूरत थी वो हमारे कार्यकर्ताओं ने अपने जगह से उस हेल्पलाइन सेंटर को सूचित किया और उसको सूचना देने के कारण उसने वहां पर उसका निवारण किया, कार्यकर्ताओं ने निवारण किया, यह हमको देखने को मिला। बहुत संतोष होता है कि नॉर्थ ईस्ट के बच्चे जो यहां दिल्ली में पढ़ रहे थे, पुणे में पढ़ रहे थे, महाराष्ट्र में पढ़ रहे थे, वो पेइंग गेस्ट थे। पहली तो उनकी समस्या आई कि वो किराया नहीं दे पा रहे थे, इसलिए उनको निकालने की स्थिति भी आई। लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं को नॉर्थ ईस्ट से कार्यकर्ताओं ने फोन किया और हमारे कार्यकर्ताओं ने जाकर वहां बातचीत करके उनके रहने का इंतजाम भी किया और उनको लगातार भोजन पैकेट पहुंचाने का काम किया। ये हमारे नॉर्थ ईस्ट के बच्चों के लिए किया है। नॉर्थ ईस्ट के बच्चों ने अपने वक्तव्य में इस बात को कहा कि हमें नहीं मालूम था कि इस तरीके से राजनीतिक दल भी काम कर सकता है, इस तरीके से राजनीतिक दल भी सामाजिक पक्ष हो सकता है, और उन्होंने अपने धन्यवाद भी दिया अपना, वो भी उन्होंने कहा। उसी तरीके से हमारे ट्राइबल इलाके, वहां भोजन नहीं पहुंच रहा था, वहां के लिए भी हेल्पलाइन सेंटर से फोन आया। असम के दूर दराज इलाके में ट्राइबल्स रहते हैं, वहां भोजन की व्यवस्था नहीं थी, काम करने के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं रह गई थी, काम करने के लिए लेबर को कुछ था नहीं, ठेकेदार पैसा नहीं दे रहा था। हमारे कार्यकर्ताओं ने जाकर वो असम के ट्राइबल एरिया में, वो उड़ीसा के ट्राइबल एरिया में, वो झारखंड के ट्राइबल एरिया में जाकर के काम किया और वहां उनको भोजन सुनिश्चित कराया गया। यह मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। इसके साथ साथ एक नई चीज देखने को मिली, माइग्रेंट लेबरर्स के लिए हमारे कार्यकर्ताओं ने किस प्रकार से काम किया। दो तरीके से काम किया। पहले तो माइग्रेंट लेबरर्स अपना स्थान छोड़ करके न जाएं, इसकी हम लोगों ने चिंता की। दिल्ली हो, कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, हमें फोन आए और हमारे कार्यकर्ताओं ने वहां जाकर के उनके भोजन की व्यवस्था की ताकि माइग्रेंट लेबरर्स वहां रहें। लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग वहां से निकल पड़े उनके लिए हर तरीके की सुविधा देने का काम पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया, राजस्थान के कार्यकर्ताओं ने, बिहार के कार्यकर्ताओं ने, उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने, उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने सभी लोगों को उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से लेकर के बिहार के बॉर्डर तक छोड़ने का काम किया, राजस्थान के लोगों ने राजस्थान में जो आया उसको छोड़ने का काम किया, हरियाणा और चंडीगढ़ में लोग कहते हैं कि किस तरीके से आपने हमारी सेवा की है, वो लौट करके जो वापस जा रहे हैं वहां जाकर के फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ संपर्क स्थापित कर रहे हैं। ये हरियाणा की कहानी है, ये चंडीगढ़ की कहानी है, जिसको हमको समझना चाहिए। उनका हमारे आपने इतनी चिंता की है, पंजाब से आने वाले लोगों की चिंता की आपने, और सबको हर दृष्टि से माइग्रेंट लेबरर्स को चिंता करने का काम किया, शेल्टर दिया, चरण पादुकाएं दी, शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए उनको अपने स्थान तक पहुंचाने के लिए, गंतव्य स्थानों तक पहुंचाने के लिए गाड़ियों की व्यवस्था की। तेलंगाना से बसें भेजी गई, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता लगे। हमारे यहां कर्नाटक से बसें भेजी गई, राजस्थान वालों ने तो किया ही किया। तो इस तरीके से इसको आगे बढ़ाने का काम किया। एक बहुत ही अच्छा काम जो हुआ वो हुआ, जो बुजुर्ग थे जिनकी दवाइयां खत्म हो गई थी, जिनके घर में देखरेख करने वाला कोई नहीं था, जो नौकर थे वो चले गए थे, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारतीय जनता पार्टी के 3,90,000 वॉलंटियर्स ने इन घरों की चिंता की और इनके घरों में लगातार मेडिसिन पहुंचाना लगा। कोई डायबिटिक था, कोई किडनी पेशेंट था, किसी को कोई हार्ट पेशेंट था, उनको दवाइयां चाहिए थी, हर हफ्ते दवाई चाहिए थी, वो हर हफ्ते दवाई पहुंचाने का काम और वॉलंटियर के रूप में उनकी निजी सेवा करने का भी काम हमारे 3,90,000 कार्यकर्ताओं ने किया है। ये मैं आपके साथ कह रहा हूं। महाराष्ट्र ने स्क्रीनिंग में हाथ बटाया, महाराष्ट्र की सरकार के साथ मिलकर के स्क्रीनिंग में हाथ बटाया। उसी तरीके से पुणे के अंदर इन लोगों ने अपना सैंपल कलेक्शन में अपना हाथ बटाया, सैनिटेशन में और हॉस्पिटल मैनेजमेंट में हाथ बटाया। हमारे कार्यकर्ताओं ने हॉस्पिटल की सफाई की,
और सफाई करके उस हॉस्पिटल के मैनेजमेंट में जहां सफाई कर्मचारी कम पड़ रहे थे वहां हमारे लोगों ने जोड़ा। तो इस तरीके से हर दृष्टि से विकास इसको साथ में सैंपल कलेक्शन के साथ साथ इसको बढ़ाया गया। टेली मेडिसिन सेंटर महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं ने चलाया, बिहार के कार्यकर्ताओं ने क्वारंटाइन सेंटर चलाया और क्वारंटाइन सेंटर जो चल रहा था उसमें अपना पूरा का पूरा योगदान किया।